हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग. यार ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का जो तरीका मेरे ऊपर काम किया था वो ये था, या अब तो खैर नहीं करती हूँ बट कभी भी अगर लगता भी है कभी, तो उस केस में आप सिंपल सिंपल रीजनिंग दो. मान लो इतने सारे थॉट आ रहे हैं और आपका दिमाग जबरदस्ती आपको ड्रैग कर रहा है कि नहीं इसी पॉइंट पे सोचना है, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या था क्या नहीं, कोई भी छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी बात भी हो सकती है. आपको तर्क की तरफ लेके जाना है इसको, रीजनिंग. एक तो है कि दो चीजें हो सकती हैं ओवरथिंकिंग जब आप कर रहे हो उसी समय. एक तो हो सकता है कि आप क्या करें, उस पर सोचते जाएं, उसमें इंडल्ज हो जाएं, सोचते रहें और उसका कोई अंत नहीं है, घंटे निकल जाएंगे और आप हो जाएंगे परेशान. ठीक. दूसरा तरीका यह है कि आप तर्क लगाएं एकदम जैसे मूवीज में होता है, ये तरीका काम भी करता है कि हाँ बस कट वाली जो फीलिंग होती है कि हाँ बस हो गया एक मिनट, जब आप दिमाग को ये बोल देते हैं और फिर तर्क लगाना शुरू करते हैं तो अच्छा ये हो गया तो ये हो गया, ये कह दिया तो ये कर लेंगे, मतलब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं. जब आप रीजन लगाना शुरू करते हैं तो भाग जाते हैं ओवरथिंकिंग. कोई लॉजिक नहीं होता ओवरथिंकिंग में, कई बार आप बेवजह ही सोच रहे होते हैं. जो चीज आपके कंट्रोल में आप उनको कंट्रोल करेंगे, जो नहीं है उनके बारे में सोच के होगा भी क्या. तो आपको वो बीच में एकदम से कट बोल के रीजनिंग लगाने की जरूरत है, उसमें रीजन लगाने की जरूरत है कि कितना काम की चीजें हैं. और कई बार आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं तब भी ऐसा होता है, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है ना, तो जब आएगी सिचुएशन तब देखेंगे, अभी जो कर सकते हैं वो करिए दबा करके. तो ये एक तरीका है जो काम करता है कि दिमाग को, जिस टाइम दिमाग आपको परेशान कर रहा हो या बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं, बोलो एक मिनट रुको, बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा, एक मिनट. अब जो थॉट्स चल रहे हैं उनको एक एक करके पकड़ के उन पर रीजन लगाओ कि किस बात में कितना दम है, कि फेल हो जाऊंगी, अच्छा हो जाऊंगी तो क्या हो गया, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ और कर लेंगे, है ना. इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब सही तरीके से पढ़ूंगी तो लोगों के या इंसानों के नंबर आते हैं ना तो मेरा भी आ जाएगा. तो बेसिकली आप रीजन जब सही तरीके से रीजनिंग करते हैं तो वो चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं होता ओवरथिंकिंग में, कई बार बेवजह ही आप सोच रहे होते हैं बहुत बार, और जहां पर रीजन लगेगा तो आसान हो जाती है चीजें. मेरे लिए तो ये चीज वर्क की थी एक टाइम पे.